हमें पिला दे।
Thank you.
इत्रती अहल बैती इन तमस्क तुम बेहमालन तजल्लुबादी लई यफ्तरका हत्ता यरदा अलैया अलहौज। सलवात मोहम्मद राल। सबई ने गरामी दोस्त दारा ने आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल खुदा की मशहूर और मारूफ हदीस। इस हदीस में पैगंबर ने फरमाया, मैं तुम में दो ग्यारह कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें सकलें, इन दो भारी चीज़ें मैं तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ, एक किताब अल्लाह, दूसरी हमारी इतरते अहले बैत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नबी की हदीस, नबी के दहन मुबारक से निकले हुए अल्फाज यही हैं कि दो ग्यारह कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक हमारी इतरत, इतरते अहले बैत, ये दो चीज़। लेकिन अहले बैत के दुश्मनों ने 1400 साल से दुश्मनी अहले बैत चली आ रही है। अहले बैत की दुश्मनी में हर ज़माने में वो अंदाज बदलते रहे, अंदाज बदलते रहे और अंदाज बदल बदल कर अहले बैत अलैहिस्सलाम की अदमत को कम करने की कोशिश किया कि अहले बैत की, रसूल और आले रसूल की अदमत जो है कम हो जाए। लिहाजा उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या नबी की इस हदीस से लफ्ज़ अहले बैती को निकाला, लफ्ज़ इतरत को निकाला, और निकालने के बाद कहा कि नबी ने दो ग्राम कदर चीज़ें छोड़ी हैं, एक कुरान और दूसरी नबी ने अपनी सुन्नत छोड़ी है। कुरान और सुन्नत, कुरान और अहले बैत नहीं, कुरान और इतरत नहीं, कुरान और सुन्नत। नबी ने दो चीज़ छोड़ा है, एक कुरान छोड़ा है, एक सुन्नत छोड़ा है। हम ये कहते हैं कि आपने आज के दौर में 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले आपने लफ्ज़ इतरती को निकाल के सुन्नती लगा दिया, लेकिन नबी के, ख़ुद नबी के दौर में या नबी के दौर के बाद जो बड़े बड़े अहल तसन्नुन के जय्यद आलेविदीन ने लफ्ज़ इतरती के साथ इस हदीस को बयान किया है, उसको आप क्या करेंगे? दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। यानी इसके पहले वाले, नबी के बाद वाले, उन्होंने इसी हदीस को लफ्ज़ इतरती के साथ बयान किया कि नबी ने दो ग्यारह कदर चीज़ें छोड़ी हैं, एक कुरान और एक अहले बैत इतरत, इसको आप क्या करेंगे? एक दूसरी बात यह है कि इसी एतबार से, हर एतबार से वो जो है अंदाज बदलते रहे अहले बैत अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में। 1400 साल से यही दुश्मनी का सिलसिला चला रहा है, कभी मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़, कभी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अदमत को कम करने के लिए कोशिश, कभी इमाम हसन इमाम हुसैन के मकाम को नीचा दिखाया जा रहा। 1400 साल से कोशिश यही हो रही है, लेकिन हम भी घबराते नहीं, हम परेशान नहीं हैं। तवज्जो चाह रहा हूँ, हम परेशान नहीं हैं कि आखिर ये 1400 साल से दुश्मनी क्यों चली आ रही है। हम परेशान नहीं, हम जानते हैं इस दुश्मनी का सिलसिला कायम आले मोहम्मद के ज़हूर तक जारी रहेगा। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। जानते हैं दुश्मनी का सिलसिला हमारे 12वें हुज्जत के आने के दौर तक यह सिलसिला जारी रहेगा, लिहाजा बातिल हर दौर में अपने रास्ते को बदलता रहा, लेकिन हक का रास्ता जनाब आदम से लेकर खातम तक और खातम से लेकर कायम आले मोहम्मद तक एक है और एक रहेगा। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। क़यामत तक
तक हक का रास्ता जनाब आदम से लेकर खातम तक और खातम से लेकर हमारे बारहवें इमाम के ज़हूर तक हक का रास्ता एक है, हक का रास्ता एक रहेगा। बातिल अपने रास्ते को बदलता रहा। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा, हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज कुफी और शामी। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बदलते रहते हैं अंदाज कुफी और शामी, ये शामी का अंदाज है, ये कुफियों का अंदाज है, ये बदलता रहेगा, लेकिन हकीकत शब्बीरी जो है ना वो अबदी है, वो सिलसिला जो चला रहा है हक का रास्ता वह एक है। लिहाजा उन्होंने क्या किया, लफ्ज़ इतरती को निकाला और निकालने के बाद उन्होंने लफ्ज़ सुन्नती को लगाया कि नबी ने फरमाया कि दो किरा कद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक क्या है, एक कुरान है और एक हमारी सुन्नत है, ये दो चीज़ें सुन्नत। हमारे आयतुल्ला जाफर सुबहानी बहुत बड़े एक आयतुल्ला है, आयतुल्ला जाफर सुबहानी की किताब है पेशवाई अज नजर इस्लाम, यानी इस्लाम का मकाम क्या है, वो जो है आयतुल्ला जाफर सुबहानी की किताब है पेशवाई अज नजर इस्लाम। उस किताब में आयतुल्ला जाफर सुबहानी ने अल अजहर यूनिवर्सिटी है मिस्र में, काहिरा में, ये मिस्र में अल अजहर यूनिवर्सिटी जो अहले सुन्नत वल जमात की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी के आलम दीन जो है ना फतवा या फतावा देने की सलाहियत रखते हैं, लिहाजा अल हजर अजहर यूनिवर्सिटी ने क्या किया, हदीस सकलैन को जमा किया, हदीस सकलैन को खुद अल अजहर यूनिवर्सिटी ने नबी की इस हदीस को इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन किताब अल्लाह तरती, नबी की इस हदीस को अल अजहर यूनिवर्सिटी ने जमा किया। जमा करने के बाद उन्होंने सकलैन के नाम से एक बुकलेट, एक किताब निकाला, सकलैन किताब निकाला। उस किताब में 70 ऐसे अहले सुन्नत वल जमात के बड़े से बड़े आलिम दीन हैं जिन्होंने इस हदीस को लफ्ज़ इतरती के साथ नकल किया है। जरूर भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। 70 अहले सुन्नत वल जमात के बड़े बड़े आलिम दीन जिन्होंने इस हदीस को नकल किया लफ्ज़ इतरती के साथ, नबी ने फरमाया मैं तुम में दो ग्रह कदर चीज़ें छोड़ने जा रहा हूँ, एक कुरान और एक हमारी इतरत अहले बैत। ये आयतुल्ला जाफर सुबहानी ने हदीस सकलैन को, तमाम जो हदीस सकलैन को अल अज़हर यूनिवर्सिटी ने जमा किया, इन्होंने अपने रिसाले में दिया है पेशवाई नजर इस्लाम, इसमें इन्होंने जमा करके ये बताया है कि यहाँ पर लफ्ज़ इतरती है, लफ्ज़ सुन्नती नहीं है। एक दूसरा, हम ये कहते हैं, तवज्जो चाहता हूँ, हम ये कहते हैं कि अगर बिलफर्ज अगर पैगंबर ने यह कहा कि मैं तुम में दो ग्रह कद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक हमारी इतरत अहले बैत, दो ग्रह कद्र चीज़ें छोड़ कुरान और इतरत अहले बैत, बिलफर्ज हम ये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि नबी ने दो चीज़ें छोड़ी, एक कुरान और एक सुन्नत। तवज्जो चाह रहा हूँ इंशाल्लाह, आप इंशाल्लाह तवज्जो के साथ सुने, इंशाल्लाह इल्मी बहस है ताकि मसला भी हल हो जाए और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की अजमत भी बुलंद हो जाए। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। लिहाजा हम अगर बिलफर्ज ये मान ले कि नबी ने दो चीज़ें छोड़ी, एक कुरान और एक सुन्नत, लिहाजा अगर नबी ने दो चीज़ें छोड़ी हैं कुरान और सुन्नत, अगर सुन्नत ही हो, सुन्नत ही हो, सुन्नत के अलावा कुछ नबी की सुन्नत है, अगर सुन्नत ही हो तो नबी की सुन्नत पर अहले बैत से बढ़कर अमल करने वाला कौन है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। सुन्नत भी वो सुन्नत पर अगर अमल करने वाला है तो कोई अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, उनसे बढ़कर उस सुन्नत पर अमल करने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक मुखालफत का एक तरीका था, कहा कि इतरती नहीं सुन्नती है, जब देखा कि उनके पुराने बहुत सारे आलम दीन ने लफ्ज़ इतरती लिखा है तो फिर कहने लगे कि कुरान काफ़ी है, हसबुना किताबुल्लाह, हमारे लिए कुरान काफ़ी है, अहले बैत को मान
मानने से क्या फायदा, फकत कुरान पर अमल करो, कुरान के कहने के मुताबिक चलो। हतबुना किताब अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। फिर उन्होंने क्या किया, अहले बैत को छोड़ दिया और हतबुना किताब अल्लाह कहकर अल्लाह की किताब को ले लिया। हम भी ये कहते हैं कि हमारे दरमियान दो चीजें हैं, एक कुरान है एक अहले बैत है। लिहाजा नौज़ु बिल्लाह माज़ल्लाह, खुदा ना करे हमारे दरमियान कोई शख्स पैदा हो जाए जो ये कहे कि अहले बैत हमारे लिए सब कुछ है, अहले बैत हमारी शफाअत करेंगे, अहले बैत जन्नत में लेके जाएंगे। नौज़ु बिल्लाह माज़ल्लाह, खुदा ना करे हमारे दरमियान में कोई शख्स है जो समझने लगे सब कुछ अहले बैत है और दूसरे ये समझने लगे सब कुछ कुरान है। तो मैं उनसे कहता हूँ जो अहले बैत को काफी समझते हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ जो कुरान को काफी समझते हैं, याद रखो जो ये कहते कुरान काफी है, याद रखो जब तक अहले बैत नहीं होंगे कुरान काफी नहीं होगा, जब तक कुरान नहीं होगा अहले बैत काफी नहीं होंगे। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। अगर छोड़ दिया जाए तो अहले बैत नहीं है, अहले बैत को छोड़ दिया जाए तो कुरान नहीं है। नबी ने क्या कहा कि नबी ने कहा मैं तुम में दो गिरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान और अहले बैत, इनसे मुंसलिक रहो गुमराह नहीं होगे और ये दोनों आपस में जुदा नहीं होंगे, हत्ता के ये हौदे कौसर पर वारिद होंगे। जब कुरान अहले बैत से जुदा नहीं होंगे, अहले बैत कुरान से जुदा नहीं होंगे, जब जुदा होंगे नहीं तो हम लेंगे कैसे। जरूर भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। कुरान को नहीं ले सकते हैं, ना कुरान को तनहा ले सकते हैं, ना अहले बैत को तनहा ले सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कुरान कुरान सामित है, अहले बैत कुरान कुरान नातिक है। जिस तरीके से कुरान सामित का जवाब नहीं है उसी तरीके से कुरान नातिक का भी जवाब नहीं है। कुरान नातिक के लिए भी आप कोई मिसाल नहीं ला सकते, इस एतबार से कुरान है और कुरान के साथ साथ अहले बैत अलैहिस्सलाम है। कुरान जिस्म के मानिंद है, अहले बैत रूह के मानिंद है, तवज्जो चाह रहा है, कुरान जिस्म के मानिंद है, अहले बैत रूह के मानिंद है। एक जिंदा आदमी है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा स्कॉलर है, बहुत बड़ा फलसफी है, बहुत बड़ा आयतुल्ला है, बहुत बड़ा मर्जा है, किस वक्त तक, जब तक रूह बाकी है। इधर रूह निकल गई जिसम बेकार हो गया, हालांकि बहुत बड़ा डॉक्टर है, रूह निकल गई जिसम बेकार है, हालांकि बहुत बड़ा डॉक्टर था लेकिन रूह निकलने के बाद जिसम बेकार है। जिंदा आदमी की लाखों रुपया तनख्वाह होती है, मर जाने के बाद उसकी कोई तनख्वाह नहीं, आखिर मसला क्या है कि रूह के निकलने के बाद जिसम बेकार हो गया। पहले लाखों रुपया तनख्वाह थी, अब इसकी कोई तनख्वाह नहीं है, पहले इसकी अहमियत थी, अब कोई अहमियत नहीं है, यही जवाब मिलेगा। डॉक्टर था बहुत बड़ा, मर्ज तकलीफ था बहुत बड़ा, आयतुल्ला था बहुत बड़ा, मुहद्दिस था बहुत बड़ा, मुफक्किर था बहुत बड़ा, स्कॉलर था बहुत बड़ा, लेकिन रूह निकल गई। जब रूह निकल गई तो जिस्म बेकार हो गया। इसी तरीके से अगर अहले बैत कुरान के साथ है तो कुरान समझ में आएगा, अहले बैत को छोड़ दिया फकत जिस्म है। जरूर भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। अहले बैत है तो कुरान समझ में आएगा।
आएगा। अहले बैत नहीं है तो कुरान समझ में नहीं आएगा। इस एतबार से कुरान रूह है, अहले बैत रूह है, ओ कुरान जिस्म है। कहने लगे हसबना किताब अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है। ये कैसे काफ़ी वाले? मैं शायद किसी मजलिस में मैंने आप मोमिन के सामने पढ़ा, एक मौलाना तकरीर कर रहा था। क्या तकरीर कर रहा था मौलाना? ये तकरीर कर रहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में इतनी बरकत है, अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के अगर दरिया पर या समंदर पर कदम रख दिया जाए तो रास्ता बन जाए। ये मौलाना तकरीर कर रहा है, लोग उसकी तकरीर को सुन रहे हैं। एक देहाती था, तवज्जो चाहता हूँ, एक देहाती था, देहात का रहने वाला, एक चरवाहा था देहाती, जो जाता था दरिया के उस पार घास काटने के लिए, घास काट कर वापस आता था। खड़े होकर मौलाना की तकरीर सुनने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माशाल्लाह मौलाना तकरीर ये कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में इतनी बरकत है, अगर बिस्मिल्लाह कहकर दरिया पर रास्ता रख दिया जाए, दरिया पर कदम रख दिया जाए तो रास्ता बन जाए। और बहुत यकीन हुआ, बहुत एहतराम हुआ। घास काटने के लिए दरिया उस पार जाता था, आया दरिया के किनारे, इंतहाई एतकाद के साथ, पूरे ईमान के साथ पैर रखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रास्ता बन गया। चलता हुआ चला गया, गया उस सिमत, गया घास काटा, फिर किनारे आया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पैर रखा, रास्ता बना, चलता हुआ चला आया। अब जो आया तो देखा वही मौलाना दरिया के किनारे खड़े हुए हैं। कहा हुजूर आप यहाँ किनारे क्यों खड़े हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 यानी पानी और इशारा करा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा मौलाना ने देखा किस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ना नौका है ना किश्ती है, कहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा हुजूर वाह आप ही ने तो कहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में इतनी बरकत है, अगर दरिया में कदम रख दिया जाए तो रास्ता बन जाए। हुजूर ये तो छोटा सा तालाब है, आप कदम रखिए खुदा रास्ता बना देगा। मौलाना ने यह सुनकर कहा सुनो, मेरी तकरीर करने से तुम्हारे दिल में बिस्मिल्लाह पर जो ईमान हो गया है वो ईमान हमारे पास नहीं है। दरूद रहिए मोहम्मद अल आलम, वो ईमान हमारे पास नहीं है। तो फकत हसबुना किताब अल्लाह कहना काफी नहीं है, हसबुना किताब अल्लाह कह दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से रास्ता बन जाएगा। वाकई ईमान वैसा ही होना चाहिए, अगर वैसा ईमान है तो यकीनन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कारामत है। इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास है, मौला अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर बयान कर रहे हैं, मोमिनीन बार बार सुनते रहते हैं। तफसीर बयान करते करते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रात खत्म हो गई। मौला ने कहा, इब्न अब्बास ने कहा, मौला काश ये रात और तूलानी होती। तवज्जो चाहता हूँ, मौला काश ये रात और तूलानी होती और आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर को बयान करते। मौला मैं इस तफसीर से इस्तफादा फायदा उठाता। मौला ने कहा, इब्न अब्बास अगर ये रात 70,000 साल के बराबर हो जाए, तवज्जो, मौला ने इब्न अब्बास अगर ये रात 70,000 साल के बराबर हो जाए और मैं अली इब्ने अबी तालिब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर बयान करूं, इब्ने अब्बास रात खत्म हो सकती है, अली की तफसीर नहीं। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। अली की तफसीर खत्म नहीं हो सकती। मौला इतनी तूलानी तफसीर, इतनी बड़ी तफसीर 70,000 साल के बराबर हो जाए, आप बयान करते रहेंगे रात खत्म हो जाएगी, तफसीर खत्म नहीं होगी। मौला इतनी बड़ी तफसीर समझेगा कौन?
इतनी बड़ी तफसीर मौला समझेगा कौन? मौला ने कहा मैं इब्न अब्बास मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि अल्लाह ने कुरान में जो कुछ रखा है ये कुरान 7 मंजिलों पर नाजिल हुआ। अल्लाह ने कुरान में जो कुछ रखा है ये कुरान 7 मंजिलों में नाजिल हुआ और खुदा ने 7 मंजिल को सूरह हम्द में रखा है और सूरह हम्द में जो कुछ है अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रखा है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है जो अल्लाह ने वो बाय बिस्मिल्लाह में रखा है और बाय बिस्मिल्लाह में जो है अल्लाह ने उस बे के नुक्ते में रखा है। फिर इमाम ने फरमाया ऐ इब्न अब्बास अना नुक्तातु तहतुल बा दरूद है दिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नीचे है यानी ये बे का नीचे वाला नुक्ता अगर फैला तो सारा कुरान बन गया, अगर ये बे का नुक्ता अगर समटा तो बाय बिस्मिल्लाह का नुक्ता बन गया। तवज्जो चाहता हूँ, मौला ने ये कहा कि मैं बे के नीचे वाला नुक्ता हूँ बाय बिस्मिल्लाह। तवज्जो चाहता हूँ, आप जब अरबी में अल्फाबेट देखेंगे ना ते भी है से भी है जीम भी है जाल भी है। अरे भाई कुरान जब शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू होता है, बे नहीं होता के होता से होता जिम होता, यानी जितने अल्फाबेट अरबी जबान में है अगर आप नुक्ते को निकाल दीजिए कुछ ना कुछ बन जाएगा। तवज्जो चाहता हूं, बन जाएगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा। अगर शीन है 3 नुक्ते को निकाल दीजिए सीन बन जाएगा, जाल है नुक्ते को निकाल दीजिए डाल बन जाएगा, जे है नुक्ते को निकाल दीजिए रे बन जाएगा, जो है नुक्ते को निकाल दीजिए तो बन जाएगा, ज़ात है नुक्ते को निकाल दीजिए स्वाद बन जाएगा, यानी नुक्ते को निकालिए कुछ ना कुछ बनेगा, लेकिन दे के नुक्ते को निकाल दीजिए लकीर के फकीर हो जाइएगा। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बे से अगर नुक्ता निकल जाए तो कुछ नहीं, फकत एक लकीर है, एक लकीर फकत खत है, फकत है। बे नुक्ता निकल गया कुछ नहीं पढ़ा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा, फकत एक लकीर हो जाएगा। शायर ने क्या कहा इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, शायर ने कहा मतलब यही था हाथ की हर एक लकीर का, ये हाथ में जो लकीर है ना ये हाथ में लकीर, लकीर क्या है का मतलब यही था हाथ की हर एक लकीर का, दामन न छूटने पाए जनाबे अमीर का। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। दामन न छूटने पाए जनाबे अमीर का, इसके अतबार से नान लकीर का फकीर हो जाएगा। मौला बे के नीचे नुक्ता है, मौला ने कहा मुझे अलिफ ना कहना अलिफ मकाम तौहीद है, मुझे बे ना कहना बे मकाम नबूवत है, मैं तो वो नुक्ता हूँ जो बे के नीचे है, नीचे हूँ, हूँ बहुत छोटा लेकिन इतना ही जरूरी हूँ, अगर मैं ना हूँ तो पढ़ा ही नहीं जाता। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इसके जवाब से लिहाजा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बे नुक्ता है, ये पूरा कुरान एक नुक्ते में समझ गया। ज़हन में एक बात आती है अपने नौजवानों के लिए बयान कर रखता चलो, वो ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत बरकत है। नबी की हदीस है हर काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से इंसान शुरू करे, जो काम भी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करेंगे वो काम मुकम्मल होगा, पाए तकमील तक पहुँचेगा। और अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ा खाना खा रहे हैं शैतान शामिल हो जाएगा, जिस काम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ा उसमें शैतान शामिल होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा शैतान दूर चला जाएगा शैतान शामिल नहीं होगा। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना जो है ना ये बहुत ही बाबरकत है। सुन चुके हैं आज इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने इमाम का चाहने वाला आया, सामने कुर्सी थी इमाम ने बैठने के लिए कहा, वो बैठा कुर्सी झुकी मुंह के बल गिरा और दंदाने मुबारक जख्मी हो गए, खून निकलने लगा खून निकलने लगा। जब खून निकलने लगा तो इमाम ने अपने हाथ को बुलंद किया और बुलंद करके इमाम ने फरमा शुक्र है उस खुदा का अगर हमारे चाहने वाले से कोई गलती अगर हो जाती है तो खुदा उसी वक्त
सब किसी ना किसी मसाइब में मुब्तला करके उसके नाम अमाल से खुदा गुनाहों को धो देता है और वो परेशानी, वो तकलीफ, वो अजियत उसके लिए कफारा बन जाती है। इस एतबार से ये अली का चाहने वाला एक मरतबा घबरा गया। घबरा के कहता, मौला इस वक्त जो मैं कुर्सी पर बैठा, कुर्सी झुकी, मैं गिर गया, मेरा जो है वो लोहा दहन जो है मेरा जो है वो खून निकलने लगा, मैं जख्मी हो गया। मौला इसकी वजह क्या थी जो आप शुक्र अदा कर रहे हैं? इमाम ने फरमाया, ऐ मेरे चाहने वाले, जब मैंने तुझसे कहा कुर्सी पर बैठने के लिए, बैठा तो जरूर लेकिन बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। कुर्सी झुकी और तुम्हें जो है चोट लग गई, इस एतबार से लिहाजा इंतहाई मादत के साथ अपने नौजवानों के लिए, अगर आपकी उम्र 20-80 साल है, 80 साल, तो मैं 20 साल का ऐसा वजीफा आपको बता रहा हूँ, 20 साल का वजीफा, इंशाल्लाह वो वजीफा आपका पूरा का पूरा इबादत में शुमार होगा, सबका सब इबादत में शुमार होगा। वो क्या है कि नबी ने फरमाया कि अगर कोई शख्स रात को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के सो जाए, तवज्जो चाहो तो उसका सोना क्या है, इबादत है। तवज्जो चाहो तो सोना इबादत है। वजू आप कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के सो जाए, सोना क्या है, इबादत है। 80 साल आपकी जिंदगी है और इंसान मामूलन 7 घंटा सोना चाहिए। डॉक्टर कहता 7 घंटा अगर नींद आए तो ये परफेक्ट नींद है, 7 घंटा होना चाहिए। अगर उम्र बढ़ती जाती है तो नींद का सोना कम हो जाता है, 4 घंटा 5 घंटा कम हो जाता है। बहरहाल मैं एवरेज पकड़ता हूँ, एवरेज, जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, कम से कम इंसान अगर 6 घंटा भी सोए 80 साल की उम्र है, 24 घंटे का एक दिन होता है। तवज्जो चाहता हूँ, 24 घंटे का एक दिन होता है। 6 घंटा आप सोए, 18 घंटा आप जागे, 6 घंटा आप सोए, 80 साल को आप 4 भाग कीजिए। जब आप 80 साल को 4 भाग करेंगे तो 60 साल आपके काम काज और घरेलू जिंदगी में गुजर गया, जागने में गुजर गया, और 6 घंटा अगर आप सोए तो 20 साल आपका सोने में गुजर गया। तवज्जो चाह रहा हूँ, 20 साल आपका सोने में गुजर गया, आप तो सो के गुजारा 20 साल, अच्छी बात है। ये 60 साल में आपने झूठ भी बोला है, 60 साल में आपने गीबत भी किया है, ये 60 साल में आपने तोहमत इत्तहाम भी लगाया है, लेकिन 20 साल जो आप सोए इसमें आपका कोई गुनाह नहीं हुआ। तवज्जो चाहता हूँ, सोए, जब हम सोते रहे तो न सोने में न गीबत है, न हसद है, न बुराई है, न इत्तहाम है, न तोहमत है, ना नाजायज चीज को देखना है, ना माल हराम खाना। सोए हम सो गए, सोने वाले पर कोई तकलीफ नहीं है। पैगंबर की उम्मत से 9 चीजों को उठा लिया गया, यानी 9 चीजों के लिए कोई गुनाह नहीं है। जो 9 चीजों को जो उठा लिया गया उसमें से एक भूल है, गलती, इंसान भूल गया, जब भूल गया तो उसके लिए कोई गुनाह नहीं है, भूल गया। उसी तरीके से इंसान जब सोया हुआ है, सोया हुआ इंसान सोया हुआ है, जब सोया हुआ है तो सोए हुए में आपसे कोई गुनाह नहीं हो रहा है, हो रहा गुनाह, सो रहे हैं आप, आपसे कोई गुनाह नहीं हो रहा है, सो रहे। बाबा अगर गुनाह नहीं हो रहा है तो सवाब भी तो नहीं हो रहा है, सवाब हो रहा है, गुनाह नहीं हो रहा है, गुनाह के साथ साथ सवाब भी नहीं हो रहा है, गुनाह भी नहीं, सवाब भी नहीं। लेकिन अब अगर पैगंबर ने कहा कि सुनो, अगर वुदू करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के करके सो जाओ तो तुम्हारा सोना इबादत है, दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, तुम्हारा सोना इबादत है। यानी 20 साल इंसान सोता रहा और खालिस तरीन इबादत है, खालिस तरीन इबादत है, 20 साल सोता रहा, खालिस तरीन इबादत है। इसलिए कि आप जागते हुए में नमाज पढ़ेंगे, रियाकारी आ सकती है, आप इबादत करेंगे, रियाकारी आ सकती है, आप नमाज पढ़ेंगे आप भूल सकते हैं, आप नमाज पढ़ेंगे आपका जहन इधर उधर जा सकता है। यानी तमाम इबादत में जब आप जाग रहे हैं उसमें रियाकारी भी है, उसमें जहन इधर उधर भी जा रहा है, उसमें आप भूल भी रहे हैं, 3 रकअत को 4 रकअत बना रहे हैं, 4 रकअत को 3 रकअत बना रहे हैं, बहुत सारी गुनाह 60 साल
की जिंदगी में हो रहा है, लेकिन ये रात को सोना एक ऐसा सोना है, न इसमें रियाकारी है, न इसमें फूल है, न इसमें चूक है, कुछ भी नहीं, इबादत ही इबादत है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। वक्त हमारे नौजवान अगर वुदू करके सो जाए, खालिस तरीन इबादत, बेहतरीन इबादत, 20 साल की इबादत जो है आपके नामे आमाल में यूं ही लिख दी जाएगी। क्यों? ये आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से वाबस्तगी का नतीजा है, अली और आले अली से वाबस्तगी का नतीजा है। अगर अली और अली आले अली से अगर वाबस्ता है तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नूरन अला नूर। यही वजह है हमारे यहाँ नमाज में शर्त है। क्या शर्त है? कि बिस्मिल्लाह जब नमाज पढ़ो तो बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम बआवाज़े बुलंद पढ़ना, आवाज़ बुलंद, बुलंद आवाज के साथ दूसरों के नजदीक हो सकता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आवाज़ बुलंद पढ़ना ना हो। खुलासा यह है, अहले बैत कुरान के साथ है, कुरान अहले बैत के साथ है। ना कुरान अहले बैत से जुदा हो सकता, ना अहले बैत कुरान से जुदा हो सकते। दोनों हौदे कौसर पर साथ साथ हौदे कौसर पर ये पहुंचेंगे। इस एतबार से इनका मकाम बहुत बुलंद है। तो लिहाजा कुरान को पेश किया। किस एतबार से कुरान को पेश किया? कुरान को इस एतबार से पेश किया कि फकत कुरान पढ़ो, फकत और फकत कुरान। यानी मुखालफत अहले बैत में कुरान का सहारा लिया जा रहा है। आप किसी की मुखालफत में अगर किसी को पेश करें तो किसको पेश करें? हमारी मुखालफत में आप हमारे दुश्मन को पेश करेंगे, मैं आपकी मुखालफत में आपके दुश्मन को पेश करूंगा। दोस्त को इंसान नहीं पेश करता कि दोस्त को ले आइए, दोस्त आपको फला कह रहा है। नहीं, दोस्त में जब भी आएगा मुखालफत में दुश्मन आएगा। तो अली की मुखालफत में बनी उमैया की मस्जिदें, बनी उमैया का मेहराब, बनी उमैया का मिंबर कितने साल हा साल तक अली के खिलाफ जो है, मौला अली इब्न अबी तालिब के फजा के खिलाफ जो है, वो जो बहुत साल जो है इसी तरीके से अली और आले अली के खिलाफ सिलसिला चलता रहा। लिहाजा मैं कहता हूं अली के खिलाफ जो कुरान को ले आ रहे हो, क्या मुहद्दिसीन मर गए? क्या मुअर्रखीन नहीं हैं? क्या मौला अली इब्न अबी तालिब को गालियां देने वाले खत्म हो गए? क्यों कुरान को ले आ रहे हो? लाया तो उसको जाता है जो दुश्मन हो। दुश्मन को लाओ, कहो कि दुश्मन ये कह रहा है अली के खिलाफ, आले अली के खिलाफ, लेकिन कुरान को लेकर आ रहे हैं। जब कुरान को ले, कुरान नौज़ुबिल्लाह मुखालिफ नहीं है। कुरान को उठाओ, कुरान इब्तदा से लेकर इंतहा तक अली और आले अली का कसीदा पढ़ रहा है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। मुखालफत में जो लाया जा रहा है वो कुरान को लाया जा रहा है, जबकि कुरान कसीदा पढ़ रहा है। एक एक आयत कितनी आयत? 366 आयत तकरीबन मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के शान में। वक्त नहीं कि सब आयत को बयान किया जाए इंशाल्लाह बाद की मजलिस में, लेकिन इतना जरूर है अरबाब आजा, ये अली से दुश्मनी रखने वाले क्या कहते हैं? जो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में इल्म में अली के बराबर कोई नहीं है, शुजात में अली के बराबर कोई नहीं है, हिल्म में अली के बराबर कोई नहीं है, तक़वे में अली के बराबर कोई नहीं है, सब्र में अली के बराबर कोई नहीं है, इबादत में अली के मिस्ल कोई नहीं है। इस एतबार से अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की फजीलत और मर्तबा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का 25 साल तक रहे जो भी, लेकिन जब भी कोई मसला आया अगर हल करने की ज़रूरत पड़ी तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की दाद है, अली इस मसले को आप हल कर दीजिए। मौला ये नहीं देखते थे कि आने वाला कौन है, मौला ये भी नहीं देखते थे पूछने वाला कौन है, मौला ये भी नहीं देखते थे कि हम बरसरे खिलाफत हैं या नहीं। अगर कोई भी मसला आ गया अली के पास, अली उस मसले को हल करते थे, बताते थे। लिहाजा तारीख ने लिखा कि कुछ ईसाई आ गए चंद सवालात लेकर, और आने के बाद जब आए कि इस सवाल का जवाब हम पूछेंगे, अगर इस सवाल का जवाब अगर हमें सही मिल गया तो हम क्या करेंगे? हम मुसलमान हो जाएंगे, मुसलमान हो जाएंगे। लिहाजा जब वो पहुंचे तो पता चला कि अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए।
लिहाजा कौन है उनकी जगह, लिहाजा दरबार में ले जाया गया कि दरबार में चलो वहां तुम्हारे मसले का जवाब दिया जाएगा। जब वो दरबार में आया मसला पूछने के लिए कि हम ईसाई हैं, आप हमारा मसला हमें बता दीजिए, अगर आपने हमारा मसला बता दिया तो हम मुसलमान हो जाएंगे, दीन को कबूल करेंगे, इस्लाम को कबूल करेंगे। का बोला मसला क्या है, का मसला यह है कि वो एक क्या है जिसका दो नहीं है। तवज्जो चाह रहा हूं क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया इंशाल्लाह। वो एक क्या है जिसका दो नहीं है, वो दो क्या है जिसका तीन नहीं है, वो तीन क्या है जिसका चार नहीं है। का बोलो और क्या बोलना चाहते हो, का वो चार क्या है जिसका पांच नहीं है, और क्या पूछना चाहते हो, वो पांच क्या है जिसका छह नहीं है, और क्या पूछना चाहते हो, वो छह क्या है जिसका सात नहीं है। का हुजूर पहले बताइए फिर हम बताते हैं, दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। लिहाजा इस एतबार से एक क्या है जिसका दो नहीं है, वो दो क्या है जिसका तीन नहीं है, वो तीन क्या है जिसका चार नहीं है, वो चार क्या है जिसका पांच नहीं है, वो पांच क्या है जिसका छह नहीं है, वो छह क्या है जिसका सात नहीं है, वो सात क्या है जिसका आठ नहीं है, वो आठ क्या है जिसका नौ नहीं है, वो नौ क्या है जिसका दस नहीं है, वो दस क्या है जिसका ग्यारह नहीं है, वो ग्यारह क्या है जिसका बारह नहीं है, वो बारह क्या है जिसका तेरा नहीं है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। और भी बहुत सारे सवाल थे, और भी बहुत सारे सवाल, लिहाजा सवाल का जवाब नहीं मिला। जब सवाल का जवाब नहीं मिला तो बहुत परेशान के मुसलमानों के पास आया था सवाल का जवाब लेने के लिए, अगर जवाब मिल जाता तो मैं मुसलमान हो जाता। लिहाजा क्या करे, जाने लगा, इतने में जाने लगा तो शायद सलमान फारसी से मुलाकात हुई, का कहां जा रहे हो, का मैं सवाल लेकर आया था, हमारे सवाल का जवाब चाहिए। का तुमको सवाल का जवाब ही तो चाहिए, इससे गरज न रखो कि कौन दे रहा है, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठहरो, रोका उसे, जनाब सलमान फारसी आए हल्लाल मुश्किलात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास, मौला इस्लाम की आबरू खतर में है, एक शख्स आया है ईसाई सवाल पूछने के लिए, उसका सवाल कोई बता नहीं सकता है, मौला आपकी जरूरत है, आपको जाने की जरूरत है। अली ने जब सुना ना, तारीख ऐसा बताती है जब कोई काम जल्दी वाला होता है ना, एक काम है, हम इत्मीनान इत्मीनान से निकल रहे हैं, इत्मीनान से कपड़ा पहना, इत्मीनान से फला किया, इत्मीनान से इस तरीके से, लेकिन जब कोई जल्दी वाला काम होता है ना, इंसान नहीं देखता फौरन फौरन, तारीख ये बताती है मौला ने आबा लिया और डालते डालते, चूंकि इस्लाम की आबरू का मसला था, मौला साहब को डालते डालते दरवाजे से बाहर निकल गए। जरूर भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। उस अबा को चूंकि इस्लाम की आबरू का मसला था, डालते डालते अबा को मौला ने इंतजार नहीं किया था, ओ सलमान अभी हम चप्पल पहन लेते हैं, अबा पहन लेते हैं, अबा पहन लेते हैं, अमामा पहन लेते हैं, आमादा हो जाते हैं, तकमीन ठहरो चलते हैं, नहीं मौला ने फौरन डाला और डालते डालते मौला निकल गए सलमान के पास, उस ईसाई के पास पहुंचे, बता तेरा सवाल क्या है। उसने सवाल ये है कि वो एक क्या है जिसका दो नहीं है। इमाम ने फरमाया सवाल, वो एक अल्लाह है जिसका कोई दूसरा शरीक नहीं है। का वो दो क्या है जिसका तीन नहीं है। इमाम ने कहा वो लैलो नहार है, कुरान की आयत लैलो नहार, दिन और रात है जिसका दो नहीं है। उसने कहा वो तीन क्या है जिसका चार नहीं है। इमाम ने फरमाया वो लहू कलम व कुर्सी है, ये तीन है जिसका चार नहीं है। उसने कहा वो चार क्या है जिसका पांच नहीं है। इमाम ने फरमाया सुनो, वो चार आसमानी किताबें हैं, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मौला अली अली मेरे आका अली अली, मौला अली अली मेरे आका अली अली, दीने मोहम्मदी का सहारा अली अली, नारे हैदरी, नारे हैदरी। लिहाजा वो चार आत्मा
मानी चार किताबें हैं। उसने कहा वो पांच क्या है जिसका छह नहीं। इमाम ने फरमाया वो पांच वक्त की नमाजें हैं छह नहीं। उसने कहा वो छह क्या है जिसका सात रही। इमाम ने फरमाया अल्लाह खलक السماوات والارض ستة ايام, अल्लाह ने जमीन और आसमान को छह दिन में बनाया है सात रही। उसने कहा वो सात क्या है जिसका आठ नहीं। इमाम ने फरमाया आसमान सात है आठ नहीं। उसने कहा वो आठ क्या है जिसका नौ नहीं। इमाम ने फरमाया अल्लाह ने आठ फरिश्तों की जिम्मेदारी दी है कायनात को संभाल के रखा है। जरूर भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये आठ फरिश्ते हैं जिनके दिल में पूरी कायनात पूरी दुनिया है। कहा कि वो नौ क्या है जिसका दस नहीं। इमाम ने फरमाया वो साले नबी के वो फासिल अफराद थे नौ जिन्होंने साले नबी की ऊँटनी को कत्ल किया, ये नौ है दस नहीं। क्या वो दस क्या है जिसका ग्यारह नहीं। इमाम ने फरमाया अगर कोई हाजी हज पर जाए और कुर्बानी न कर सके तो दस रोजा रखेगा, दस है ग्यारह नहीं। उसने कहा वो ग्यारह क्या है जिसका बारह नहीं। इमाम ने फरमाया यूसुफ के भाई है एक ग्यारह है बारह नहीं। उसने कहा वो बारह क्या है जिसका तेरह नहीं। इमाम ने फरमाया साल का बारह महीना है तेरह नहीं। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। यानी समझ में आ गया। ये बताइए वो कौन है जिसका बाप नहीं था, बगैर बाप के पैदा बाप और माँ के पैदा हुआ। कहा जनाबे आदम। वो कौन औरत थी जिसके बाप भी नहीं माँ भी नहीं। कहा जनाबे हव्वा। वो कौन था जिसकी फकर जिसका फकर बाप नहीं था। कहा जनाबे ईसा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कहा ये अली ये बताइए वो कौन से जानवर अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर बच्चे देते हैं। मौला ने कहा कहाँ तक बताऊँ क्या कौन सा अंडा देता है कौन सा बच्चा देता। सुन जिसका कान बाहर नजर आए वो बच्चा देता है, जिसका कान अंदर हो वो अंडा देता है। जरूर भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। अंडा देता है। बस ये सुनना था कहने लगा या अली कलमा पढ़ाइए हम मुसलमान होते हैं। मौला ने कहा पढ़ो कलमा। क्या पढ़ा अशहदु अन्न ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलल्लाह अशहदु अन्न अलियन वलीउल्लाह। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। पढ़ने के बाद उसी तरीके से वो मुसलमान हुआ। मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अज़मत कुरान और वारिस कुरान, कुरान और अहले बैत की अज़मत आप सुनेंगे। हर चीज़ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इंतहा है, दर्जे कमाल पर है। हमसे ये कहा जाता है ना कि शिया हजरात जो है ना रसूल खुदा के अली इब्न अबी तालिब की अज़मत को बढ़ा देते हैं, उनके कमाल को बढ़ा देते हैं, रसूल खुदा से ज़्यादा बढ़ा देते हैं। नौज़बिल्लाह माज़ल्लाह अल्लाह का रसूल है, उनका मकाम बहुत बुलंद है। हम अली के रसूल अल्लाह अली के कमालात को रसूल अल्लाह से बढ़ाते नहीं हैं।
लेकिन जो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के कमालात हैं, जो इमाम हसन मुस्तफा के कमालात हैं, जो हसन हुसैन की फजीलत है, हम उसको बयान करके ये बताते हैं क्या कि जब अली का ये कमाल है तो रसूल का क्या कमाल होगा। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। जब अली इस मकाम पर है तो उस्ताद किस मकाम पर होगा, जब हसन हुसैन इस मकाम पर है तो रसूल अल्लाह किस मकाम पर होंगे, जब फातिमा ज़हरा की अज़मत है तो अल्लाह के रसूल की क्या अज़मत होगी। इस एतबार से यानी इनके कमाल से हम अल्लाह के रसूल की अज़मत का अंदाज़ा लगाते हैं। अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी इनकी अज़मत से ज़्यादा अल्लाह के रसूल की अज़मत है। इंशाअल्लाह बकिया कल की मजलिस में इतना ज़रूर है, मौला बेशुमार सवालात मौला से पूछे गए। मौला ये बताइए, मौला ने भी कहा सलूनी सलूनी कबल अन तफ़क़दूनी इन्नी तुर्कु समावात वल अर्ज़ इन्नी आलमो तुर्कु समावात वल अर्ज़। पूछ लो मुझसे, पूछ लो कबल इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान से गुजर जाऊँ। अली ज़मीन के रास्ते से ज़्यादा आसमान के रास्ते से वाकिफ़ है। मौला ने दावा किया, बेशुमार सवाल मौला ने बताए। कायनात में कोई ऐसा सवाल नहीं था जो मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने न बताया हो। कायनात में कोई ऐसा सवाल नहीं था कि पूछने वाले ने पूछा हो और अली ने कहा ठहर जाओ हम सोच कर बताएंगे। अली को सोचने की भी जरूरत नहीं हुई। इधर सवाल पूछने वाले ने सवाल पूछा, अली ने जवाब बता दिया। जब अली ने जवाब बता दिया तो एक दिन कहने वाला कहता है, या अली जब भी आपसे कोई मसला पूछा जाता है तो आप फौरन जवाब दे देते हैं, आप सोचते नहीं, आप तहम्मुल नहीं करते, आप एक आध मिनट इस तरीके से कुछ नहीं करते, आप साथ साथ बता देते हैं। जब भी कोई सवाल पूछा गया आपने साथ साथ बता दिया। अली ने पलट कर मुझसे सवाल किया, बता तेरे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? उसने कहा 5। मौला ने कहा तूने सोचा क्यों नहीं, तूने फिक्र क्यों नहीं किया, तूने फिक्र क्यों नहीं किया, तूने सोचा क्यों नहीं? कहा या अली इसमें सोचने की क्या बात है, हमारे हाथ की उंगलियां 5 है, हाँ हमारे नजर के सामने है, नजर के सामने हाथ की उंगलियां 5, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। इमाम ने फरमा जिस तरीके से तेरे हाथ की उंगलियां 5 है, तेरे सामने है, सोचने की जरूरत नहीं है, उसी तरीके से पूरी कायनात अली के सामने है, सोचने की जरूरत नहीं है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आल मोहम्मद। हम पंच तनी है, पंच तरह पाक का जिया करते हैं, नाम देने के तेरा हम जिया करते हैं। जब अहले सबा उठते हैं वजू करके मोहब्बत कितना करते हैं, सब फरिश्ते मेरा मुंह चूम लिया करते हैं। नारे अली और आले अली के सामने। लेकिन नासिबी थे, दुश्मन अली थे। अली ने जब सवाल किया कि पूछो पूछो मुझसे क्या पूछना चाहते हो, एक मरतबा एक शख्स ने कहा या अली ये बताइए मेरे सर में बाल कितना है, एक ने कहा या अली ये बताइए मेरे पगड़ी में पेश कितना है, एक ने कहा या अली ये बताइए मेरे सर में बाल कितना है। फॉर एग्जाम्पल मौला अगर बता भी देते तुम्हारे सर में इतना बाल है तो क्या वो गिन सकता था, नहीं गिन सकता था। कि अली मेरे सर में बाल मौला से पूछा या अली ये बताइए मेरे सर में बाल कितने हैं। मौला ने उसके जवाब में कहा तेरा ये सवाल अबस है, तेरा ये सवाल बेकार है, ये पूछना बेकार है। उसके बाद मौला ने एक जुमला कहा कि तेरे गोद में तेरा एक फर्जंद पैदा होगा जो करबला में मेरे हुसैन को कत्ल करे। ये नासबी थे, ये दुश्मनाने आले मोहम्मद थे, जो मौला से मुख्तलिफ उन्मान से सवाल करते थे अली इब्ने अबी तालिब की दुश्मनी में तेरी गोद में एक ऐसा फर्जंद पैदा होगा जो करबला में मेरे हुसैन को कत्ल करेगा। अली ने बताया ये कौन है, ये असद असद इब्ने कैस था, इसका बेटा मोहम्मद इब्ने कैस, इसने करबला में इमाम हुसैन को शहीद किया। मोहम्मद इब्ने कैस जनाब मुस्लिम की शहादत को कहा था, और इसकी बेटी ज़ादा बिनते असद जिसने इमाम हसन को जहर लगा कर शहीद किया। ये दुश्मन वाले खानदान थे। इसने अली से पूछा ये बताइए कि मेरे सर में बाल कितने हैं, इसी का बेटा मोहम्मद इब्ने कैस क्या है पता है आपको, करबला में हुसैन का कातिल, मुस्लिम इब्ने अकील का कातिल। हुसैन के 3 शेर थे अरबाब आज़ा, एक शेर मोहम्मद इब्ने हनफिया,
एक शेर कमर बनी हाशिम अबुल फजल अब्बात अलमदार, एक शेर मुस्लिम इब्ने अकील, तीन शेर तीन बहादुर हुसैन के खानदान में थे। अगर ये तीन बहादुर करबला में जमा होते तो करबला की तारीख बदली हुई नजर आती। हुसैन ने मोहम्मद हनफिया को मदीने छोड़ दिया, मुस्लिम इब्ने अकील को पहले ही कूफा भेज दिया, और एक शेर बावफा करबला में था कमर बनी हाशिम अब्बास को हुसैन ने इजाजत दे दिया। अगर हुसैन अब्बास को इजाजत दे देते ना फिर भी करबला की तारीख बदली हुई नजर आती। एक लश्कर यजीद में एक फर्द बाकी नहीं रहता, अब्बास की शुजात का यह आलम था। लेकिन हुसैन ने तीनों को तीन मकाम पर तकसीम किया। हाँ इतना जरूर रवायत में मिलता है, जब हमारे और आपके आका मदीने से रवाना हुए, कूफे से होते हुए करबला की तरफ जाएंगे, एक मरतबा इमाम हुसैन की आंखों से दारो कतार आंसू गिर रहा है। हुसैन की आंसू का दारो कतार आंसू गिरना था। एक मरतबा कमरे बनी हाशिम तड़प गए, हाथ जोड़कर कहा कि आका आप क्यों रो रहे हैं? कहा के भैया अब्बास ये देखो मेरे दो उंगलियों के दरमियान, जब दो उंगलियों के दरमियान देखा तो क्या देखा? मुस्लिम इब्ने अकील हैं, हाथ बंधे हुए हैं। कोठे पर मुस्लिम इब्ने अकील को ले जाया जा रहा है, ले जाने के बाद मुस्लिम इब्ने अकील को तलवार है, और जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील को गर्दन पर तलवार मारा जाएगा और मार के जनाबे मुस्लिम को फेंका जाएगा। एक मरतबा अब्बास ने तड़प के कहा आका कूफे के दारुल अमारा बहुत बुलंद है, ऊपर से मेरे भाई की लाश को फेंकेंगे, लाश पास पास हो जाएगी, लाश टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, आका इजाजत दे दीजिए, आका मैं फकत और फकत ये कूफा के दारुल अमारा के नीचे चला जाऊं, और जब ऊपर से मेरे भाई का लाश आए तो मैं अपनी गोद में ले लूं। एक मरतबा हुसैन ने कहा भैया अब्बास मेरी दो उंगलियों के दरमियान जरा नीचे निगाह करो। अब दो उंगलियों के दरमियान जब नीचे निगाह किया, एक मरतबा तड़प के कहा आका एक निकाह पोश मुअज्जमा बैठी हुई है, जारो कतार रो रही है, गोद फैलाई हुई है, भैया ये मुअज्जमा कौन है? कहा भैया बात नहीं पहचाना जाना, मेरी माँ फातिमा जहरा है। भैया ये मेरी माँ फातिमा जहरा है, जो अपने गोद को फैलाए फातिमा जहरा कूफे के दारुल अमारा के नीचे बैठी है। मेरे लाल मेरी आगोश में आ जा, अरबाब इतने में मुस्लिम इब्ने अकील को कूफे के दारुल अमारा के छत से फेंक दिया। मुस्लिम जो नीचे आए हैं अरबाब आजा, अब देखने वालों ने क्या देखा? मुस्लिम के जिस्म पर सर नहीं है, मुस्लिम का जिस्म पास पास हो गया, अरबाब आजा मुस्लिम के पैर में रस्सी बांधी। रस्सी बांधने के बाद जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील को कूफे की गली और कूचे से जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील को गुजारा, और आखिर में मुस्लिम का कटा हुआ गला कूफे के दारुल अमारा पर लटका दिया। जब अहले हरम का काफिला कूफे में पहुंचा है अरबाब आजा, मुस्लिम इब्ने अकील का सर कूफे के दारुल अमारा पर लटक रहा था। बीवियां बेमखनो चादर थी, अपने चेहरे की हिफाजत बीवियों ने पर्दे की हिफाजत अपने सर के बाल से किया हुआ था। एक मरतबा आवाज आई अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमत ज़हरा, अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या बिन्त फातिमत ज़हरा। एक मरतबा ज़ैनब ने कहा बीबियों इस भरे हुए दरिया में, बीबियों इस बाजार में कौन मुझे सलाम करने वाला आ गया, कौन मुझे मेरे भाई को सलाम कर रहा है? ये गैर के मजबू में अपने के अपनों की आवाज कहां से आ रही है? एक मरतबा ज़ैनब ने सर के बाल को हटाया, एक मरतबा ज़ैनब की नजर पड़ी, क्या देखा? मुस्लिम इब्ने अकील के लबाई मुबारक में जुम्बश है, ऐ रसूल की बेटी हमारा सलाम ले लो, ऐ रसूल ऐ फातिमा जहरा की बेटी हमारा सलाम ले लो। ये वही कूफा है जहां आप शहजादी थी, ज़ैनब तुम्हारा भाई इस्तकबाल को आमादा है। एक मरतबा रुकैया आगे बढ़ी, मेरे बाबा मेरे भाई कहाँ गए, मेरे बाबा मेरे भाई कहाँ गए? रौजे मुस्लिम ने कहा मेरे सरदार बच्चों की कोई खबर है? एक मरतबा आवाज आई बच्चे हमारे कत्ल कर दिए।
बहत्तर शहीदों का पुरसा ले लो, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जुमला ममनीन ममनात के कसर गुनाहों को माफ़ फरमा या अल्लाह, जुमला ममनीन ममनात के दिली मकासिद को बदला या अल्लाह, हर मकरूज़ के कर्ज को अपने खजाने गैस से अदा फरमा या अल्लाह। हमारे कैस भाई मरीज हैं पालने वाले, बीमार करबला का वास्ता कैस भाई और जुमला मोमिन ममनात जो मरीज़ ने पालने वाले, सबों को सेहत कामला सेहत आजला का फरमा या अल्लाह। हमारे मुजम्मिल भाई डॉक्टर मासूमा पालने वाले मुजम्मिल भाई के जुमला बच्चों को पालने वाले सेहत सलामती अता फरमा या अल्लाह। हम जुमला मोमिन ममनात जो इमाम हुसैन की अदादारी में दाम में दिरहम में कदम में सुखन हिस्सा ले रहे पालने वाले, हम सबकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाना, ज़हूर इमाम ज़माना में ताजील फरमाना। सारी दुनिया में जो आले मोहम्मद के चाहने वाले पालने वाले अदादारी कर रहे थे, सबके जान माल इज्जत आबू की हिफाजत फरमा, सबों की अदादारी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाना। सारी दुनिया से कोरोना वायरस का खात्मा करना पालने वाले, हम सबके हयात में बरकत अता फरमा, सेहत में बरकत अता फरमा, नस्ल में बरकत अता फरमा, रोजी रिस्क में बरकत अता फरमा, खिदमत आले मोहम्मद में बरकत अता फरमा, मोहब्बत आले मोहम्मद में बरकत अता फरमा, ज़हूर इमाम ज़माना में ताजील फरमाना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक ज़रूरी ऐलान आप हज़रात समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कल 8 बजे इसी मस्जिद में इंशाअल्लाह, सुबह 8 बजे इसी मस्जिद में दुआए नुतबा का आगाज़ है इंशाअल्लाह। दुआए नुतबा होगा, जो मोमिन आप आ सकते हैं इंशाअल्लाह आ जाइए इंशाअल्लाह, 8 बजे दुआए नुतबा। उसके बाद नमाज जुमा अपने मकाम पर है, नमाज जुमा के बाद ये फराशगंज हमारे पलाश भाई के घर मस्जिद होगी, मस्जिद के बाद जुलूस बरामद होगा इंशाअल्लाह। जुमला मोमिन मोमिनात का इंतज़ाम नहीं है, जुमला मोमिन शिरकत करके सवाब दारायन हासिल करें। इमातम हुसैन आगे।
ऐ मेरे देश के लोगों मेरी आवाज सुनो, ऐ मेरे देश के लोगों मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज में मखदल का ये आवाज सुनो। क्या खबर तुम न रहो, क्या खबर तुम न रहो, क्या खबर हम न रहे, आओ एक काम करे करबला करे, जिस तरह ने सफर आम किया, एक जंजीर की झनकार को काम किया, जिस तरह शेषादा ने सफर शाम किया, यानी ने जो बुलंद और भी सलाम किया, हम इसी तर्ज कयादत की अदावाम करे। क्या खबर तुम न रहो, क्या खबर तुम न रहो, क्या खबर हम न रहे, आओ एक काम करे करबला काम करे, आओ एक काम करे करबला काम करे। ये जो मजलिस है हर एक बंद के लिए, एक सौगात है ये दीदार पूनम के लिए, सोच दिल चाहिए तहजीब मुहर्रम के लिए, कोई तफरीक नहीं हर दे मातम के लिए, रोड वालों के लिए फर्श अजाम करे। क्या खबर तुम न रहो, क्या खबर तुम न रहो, क्या खबर हम न रहे, आओ एक काम करे करबला काम करे, आओ एक काम करे करबला करे। आओ देखो के मां के अलम किसका है, खुद से नाम ये सहरा पे रकम किसका है, अभी तारीख से आगे ये कदम किसका है, सारे दुनिया को बता दे के ये गम किसका है, सारे दुनिया के लिए हम के फिजाम करे। क्या खबर तुम न रहो, क्या खबर
मिला रह गया रसगुल्ला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। ये सभी ले उन्हें प्यासों से वफा है बखुदा, कोई प्यासा न रहती ये सकीना की दुआ, हर जमी पर ये सकीना की दुआ। मजलिस है मदावा है हर एक गम के लिए, एक सौगात है ये दीदाए पूनम के लिए। सोच दिल चाहिए तहजीब है मुहर्रम के लिए, कोई तफरीक नहीं हलता है मातम के लिए। रोने वालों के लिए फर्श अजाम करे, क्या खबर तुम न रहो, क्या खबर तुम न रहो, सब मिल के मातम करें, हम सब मिल के एक साथ नारे हैदरी हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत नारे हैदरी हुसैना 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 हुसैन हुसैना 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 हुसैन। बचपन से तुम्हारा मैं आजादार हूँ मौला, आजादार हूँ मौला, आजादार हूँ मौला। घर घर में सदा आपका फर्शे अज़ा देखा, फर्शे अज़ा देखा। मैं इससे जुदा रह नहीं सकता, ये मजलिस ओ मातम रहे मौला, ये मजलिस ओ मातम रहे मौला। ये दिल की दुआ है, ये मेरी दुआ है, ये मेरी दुआ है, दुआ मेरी दुआ है। ये शाद रहे करबला, आबाद रहे करबला, ये दुआ है या हुसैन। शाद रहे करबला, आबाद रहे करबला, ये सका है या हुसैन। सिलसिला दर सिलसिला जारी रहे ये सदा हुसैन। शाद रहे करबला, आबाद रहे करबला, ये दुआ है या हुसैन। शाद रहे करबला, आबाद रहे करबला, ये दुआ है या हुसैन। बादशाह हुसैन की सल्तनत।
जिसका पासबान है मौला गाजी का वफा, अपने हुसैन बाखुदा खून से सजा दी करबला, करबला की है सदा यानी ये रहे सदा, ये दुआ है या हुसैन, शाद रहे करबला, बाद रहे करबला, ये दुआ है या हुसैन। सिलसिला दर सिलसिला, सिलसिला दर सिलसिला, जारी रहे सदा हुसैन, शाद रहे करबला, राहत मां करबला, जन्नत मां करबला, राहत मां करबला। मौला ने बसा दिया ऐसा शहर करबला, जिसकी खाक भी शिफा, जिसकी जन्नत शिफा, दूसरी ना होगी करबला, होगा ना हुसैन दूसरा, होंगे ना कभी जुदा वो हुसैन और करबला, ये दुआ है या हुसैन, शाद रहे करबला, बाद रहे करबला, ये दुआ है या हुसैन। सिलसिला दर सिलसिला, सिलसिला दर सिलसिला, जारी रहे सदा हुसैन, जन्नत मां करबला, राहत मां करबला, जन्नत मां करबला, राहत मां करबला। धड़कनों में बाखुदा गूंजती है करबला, सदा में जा बजा बोलती है करबला, कहता है जमाना या हुसैन, या हुसैन 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 हुसैन, जब तुम्हारा हो सदा शहीद करबला, ये दुआ है या हुसैन, शाद रहे करबला, बाद रहे करबला, ये दुआ है या हुसैन, शाद रहे करबला, बाद रहे करबला, ये दुआ है या हुसैन। शाहस्ते हुसैन बादशाहस्ते हुसैन, दीनस्ते हुसैन दीपनास्ते हुसैन, शाहस्ते हुसैन बादशाहस्ते हुसैन, दीनस्ते हुसैन दीपनास्ते हुसैन, सरदार सरदार शहंशाह ऐ शाह शहीदा, कारी सर नैजा ऐ वारिस कुर्रा, कहती है नमाजे अब तक सर मैदा, कहती है नमाजे अब तक सर मैदा, सुनो जिंदा है हुसैन, सुनो जिंदा है हुसैन, शास्त हुसैन बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन, आज़ान नमाज़े मीलाद मोहम्मद, ये मजलिस मातम अब्बास का परचम, कहते हैं सबीले कहता है मुहर्रम, कहते हैं सबीले कहता है मुहर्रम, सुनो जिंदा है हुसैन, सुनो जिंदा है हुसैन, शास्त हुसैन बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन, अकबर का कलेजा
हल्के अली असगर अब्बास के बाजू ज़ैनब का खुलासर कहते हैं ये तुझसे ऐ शाम के लश्कर कहते हैं ये तुझसे ऐ शाम के लश्कर सुनो जिंदा है हुसैन सुनो जिंदा है हुसैन शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीयत हुसैन दीपनास्त हुसैन मरकज से निकल कर खुद फातिमा ज़हरा मकतल की जमीन पर देती रही पहरा खंजर से सीना से कहती रही ज़हरा खंजर से सीना से कहती रही ज़हरा सुनो जिंदा है हुसैन सुनो जिंदा है हुसैन शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीयस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन आदा तमाचे रुखसार सकीना जलता हुआ दामन गर्मी का महीना कहती थी फूफी से हर एक से कहना कहती थी फूफी से हर एक से कहना सुनो जिंदा है हुसैन सुनो जिंदा है हुसैन शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीयस्त हुसैन बीमार मदीना वो फातिमा सुगरा दरवाजे पे बैठी तकती है जो रास्ता खुद को यही कह कर देती है दिलासा खुद को यही कह कर देती है दिलासा सुनो जिंदा है हुसैन सुनो जिंदा है हुसैन शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीयस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन सरवर सर मजलिस जिक्र शह वाला रेहान मुसलसल इस गम का हवाला दोहराता है हर दम तारीख का जुमला दोहराता है हर दम तारीख का जुमला सुनो जिंदा है हुसैन सुनो जिंदा है हुसैन शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीयस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन के सरदार नदा दस दर दस यदे हुसैन इमाम हुसैन हुसैन इमाम हुसैन हुसैन इमाम हुसैन हुसैन इमाम हुसैन